कुंडी साहब, आपकी जमात बड़ी वोकल है इस पे, मैं इसके बाद आऊंगी नून लीग के मौकफ की जानिब भी। सर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, चले आप एक मॉरल और एथिकल बात करें, वो बिल्कुल करनी चाहिए और इसीलिए मैंने ये सवाल पूछे भी, लेकिन एक है टेक्निकल कंपैटिबिलिटी, एक है लीगैलिटी की बात। उन दोनों बॉक्सेस को अपेरेंटली ये टिक करते हैं और इसकी गवाही नून लीग की गवर्नमेंट के साबिक लोगों ने दी है। अभी हमने सुनवाया है अब्बासी साहब का शॉट, तो फिर मसला क्या है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मारिया, इफ्तिखार साहब ने बात की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज नैब को भी इस हवाले से एक रेफरेंस भेजा है। माजी में तो ये बड़ी बातें करते थे और उस पर हम संजीदा इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हर बात पे ये कहते हैं कि हम यू टर्न लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे इनके अपने लीडर ने कितने बयान दिए, फिर ये कहता है कि टेंडर पहले हो चुका था, टेंडर 4-5 दिन पहले हुआ है, दो कंपनियाँ थीं, FWO और डेस्कॉन। FWO को इन्होंने टेक्निकली आउट कर दिया, एक डेस्कॉन रह गई है। नॉर्मली ये होता है कि अगर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो उस पर आप 2-3 दफा बीट करते हैं। और देखिए, खुद कल वाडा साहब ने मेरे साथ प्रोग्राम में माना है कि 20 से 23 कंपनियों ने कागजात निकाले, तो अगर आप सेकंड बीट की तरफ जाए, थर्ड बीट की तरफ, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप सेकंड थर्ड बीट की तरफ जाए, वापडा को और हुकूमत पाकिस्तान को 30 से 40 अरब रुपए का फायदा होगा इसमें, क्योंकि बाकी कंपनियां आएंगी। अब तो वन पार्टी सिस्टम आपने कर दिया है, एक बंदा फाइनेंशियल बीट डाले उसकी मर्जी है जो भी करे। और जहां तक इफ्तिखार साहब ने कहा है कि हमने कंसल्टेंसी, देखें उसी दिन आपने कंसल्टेंट जो कि इंटरनेशनल थे उनको आपने फारिग कर दिया है। आप कह रहे हैं कि हम अब लोकल कंसल्टेंट रखेंगे, उन जो कंपनीज आई थी बिड करने के लिए कंसल्टेंसी के लिए, आपने उनको फारिग कर दिया और आप कह रहे हैं कि अब हम लोकल कंसल्टेंट हायर करेंगे और वो भी आप 24 जनवरी को आपने उनको बुलाया है कि आप आए और बिड करें उसके लिए कंसल्टेंसी के लिए। लैंड एक्विजिशन का भी अभी मामला जारी है, चलो लैंड एक्विजिशन तो हो जाएगी, लेकिन आप मुझे बताया क्या आपको इतनी जल्दी है? या ठीक है, डैम बनना चाहिए, डैम के ठेकेदार जल्दी है क्योंकि फीजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक उस पे जनवरी में काम होना जरूरी है। 5 साल का आप 40-50 अरब रुपए हुकूमत का बचा सकते हैं। अगर आप सेकंड और थर्ड बिड में चले जाए तो आपको क्या नुकसान होता है? कंपनीज है पाकिस्तान में, आपने FWO जैसे एक बड़ी कंपनी को सर, लेकिन आज भी इशू ये कि ये बिडिंग जो थी ना, ये पीटीआई गवर्नमेंट में हुई नहीं ना, ये तो खुला बिड अभी है, लेकिन ये 4 दिन पहले हुई है। भाई कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सर? 4 दिन पहले हुआ है सर, क्या बात कर रहे हैं? ये नून लीग की गवर्नमेंट के सारे अभी चेयरमैन वापडे को बुलाए और पहुंचे कि फाइनेंशियल बिड कब खोला आपने? चले क्योंकि सर ये इसकी तो ओनरशिप नून लीग की क्यादत खुद ले रही है ना इन ठेकों की, मतलब आप कह रहे हैं 4 दिन पहले, मैं आपको गारंटी करता हूं कभी बिड खोली है 4-5 दिन पहले? जी दुरानी साहब, पहले खुली है दौर में बिड खुली है। अच्छा ठीक है, 4 दिन पहले खुली। जी दुरानी साहब, भाई टेक्निकल बिड इन्होंने पहले की है, फाइनेंशियल बिड अभी खोली है सिंगल पार्टी पे, ओके एक पार्टी पे की है। और जब आपके वजीर आजम साहब जाते हैं चाइना तो इसी चाइनीज कंपनी में जाके ब्रीफिंग भी लेते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि एक प्राइवेट कंपनी में जाए और उनसे ब्रीफिंग ले? अभी तक फाइनेंशियल बिड भी नहीं खुली। अगर मैं अभी भी गारंटी करता हूं कि आज वापडा और हुकूमत पाकिस्तान इसको दोबारा बिड करे, 40 से 50 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को और वापडा को फायदा होगा। ठीक है चले, अब चूंकि मुझे राणा अफजल साहब के पास जाना है।